लखनऊ कानपुर रेल रूट दिल्ली मुंबई झांसी को जाने वाली ट्रेनों के लिए अहम माना जाता है। इस रेल रूट से 24 घंटे में एक सैकड़ा से अधिक ट्रेनों का आवागमन भी है, लेकिन मानक नगर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होने के चलते यहां से गुजरने वाली करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दूसरे रूट से गुजारा जाएगा। यह ट्रेनें अगले 5 दिन तक नहीं चलेंगी। इससे यात्रियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि लखनऊ मानक नगर रेलवे स्टेशन में आज से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण लखनऊ कानपुर रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को 28 अगस्त से 2 सितंबर तक उत्तर रेलवे ने निरस्त कर दिया है। वहीं उन्नाव के रास्ते से चित्रकूट को जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस को भी डाइवर्ट कर उसे मुरादाबाद के रास्ते से लखनऊ भेजा जाएगा। गंगाघाट उन्नाव रेलवे स्टेशन से सभी पैसेंजर ट्रेनें निरस्त होने से दैनिक यात्रियों के अलावा अन्य यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। उन्हें सड़क मार्ग से होकर आना जाना पड़ेगा। वहीं कोविड के समय में लखनऊ कानपुर रेल रूट की पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। करीब 28 माह तक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन ठप रहा। हालात नॉर्मल होने के बाद रेलवे ने धीमे धीमे कुछ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन की शुरुआत की, जिसमें उन्नाव के दैनिक यात्रियों को काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन अब उन्हें 2 सितंबर तक फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।